हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग लिटिल पांडा पावर नाम की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हैकर रैंक पे। और ये जो प्रॉब्लम है ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का जो डिमार्केशन है वो हार्ड लेवल में किया गया है। हार्ड लेवल में केवल इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, देन वी विल रिलेट टू सम ऑफ दी लर्न कॉन्सेप्ट। सो द लिटिल पांडा हैज थिंग्स फॉर पावर एंड मॉडुलस and he likes to challenge and he likes challenges. His friend Lucy, however, is impractical and challenges Panda to find out positive and negative powers of a number modulo a particular number. So यहाँ पे पावर की बात कही जा रही है, पॉजिटिव नंबर के पावर की, देन नेगेटिव नंबर के पावर्स की भी बात ये कर रहे हैं, और वो जो पावर आएगा उसको मॉडुलस ऑपरेशन से मॉडुलो फाइंड हमें करना है। वी ऑल नो दैट ए रेस टू द पावर -1 मॉड एक्स रेफर्स टू द मॉड्यूलर इनवर्स ऑफ ए मॉडुलो एक्स। सो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर रेफर कीजिए, या फिर आपको अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो आप रेफर कीजिए मेरे एक लेक्चर को जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स की बात कही थी। तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास दो नंबर्स गिवन हो ए और बी, और ए इंटू बी मॉड एम की वैल्यू अगर 1 है, मुझे गिवन अगर ए है तो इससे हम बी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बी को हम गेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि हमारे पास एक 19 है एंड देन मॉड मल्टीप्लाइड विथ बी एंड देन मॉडुलस 3 हमने कहा, और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो हम कह सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि बी की वैल्यू हमारी 1 होगी, क्योंकि 19 × 1 = 19 और मॉडुलस 3 = 1। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू को गेस कर लिया। इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर ए और बी हमारे पास दो वैल्यूज हों और एम हमारे पास गिवन हो, और हमारे पास केवल ए गिवन है उससे अगर हम बी गेस करते हैं, सो बी विल एक्चुअली बी मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स। बी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स, और यहाँ पे भी इसी की बात कही जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स मॉड एक्स रेफर्स टू दी मॉड्यूलर इनवर्स ऑफ ए मॉड्यूलो एक्स। इसका मतलब हम बी की बात कर रहे हैं गिवन ए एंड एक्स। नाउ सिंस लूसी इज इम्प्रैक्टिकल, शी सेज दैट ए रेस्ट टू द पावर -n इज इक्वल टू, या ए रेस्ट टू द पावर -x मॉड एक्स इक्वल्स टू ए रेस्ट टू द पावर -1 मॉड एक्स रेस्ट टू द पावर एन। यू जस्ट रीड आउट दिस लाइन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगेन एक एग्जांपल्स अगर हम देखें, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ए पावर -4 मॉड 5, तो इसकी वैल्यू ये कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल्स टू ए रेस्ट टू द पावर -1 मॉड 5 एंड देन इसका पावर 4 एंड देन अगेन इसका मॉड निकाल लीजिए विद वैल्यू 5। सो ये मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स है। लेट्स से बी की वैल्यू जो हम यहाँ पे कह रहे थे, सो अगर आपने बी फाइंड आउट कर लिया, रेस टू द पावर 4 फाइंड कर लीजिए एंड फाइनली आप उसको मॉड 5 इस पे अप्लाई कर देंगे। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ए रेस टू द पावर -n मॉड एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर -1 मॉड एक्स रेस टू द पावर एन एंड फाइनली जो भी आंसर आया उसको मॉड एक्स अगेन कर दीजिएगा। नाउ लूसी, व्हाट लूसी सेज दैट शी वॉन्ट्स पांडा टू कंप्यूट ए रेस्ट टू द पावर बी मॉड एक्स। तो यहाँ पे कुछ ए गिवन है, कोई बी गिवन है और एक्स गिवन है। लूसी चाहती है कि वो ए रेस्ट टू द पावर बी मॉड एक्स कैलकुलेट करे पांडा। शी ऑल्सो थिंक्स दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर कंस्ट्रेंट्स आर नॉट गिवन प्रॉपरली, कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ द कंस्ट्रेंट्स आर नॉट गिवन प्रॉपरली। लिटिल पांडा इज वेरी कंफ्यूज एंड लीव्स the problem to the worthy parameters of the world help him to finding out the solution. So we will surely help Panda to find out the solution. एक बार जरा इनपुट देख लेते हैं। इनपुट का फॉर्मेट कहता है कि फर्स्ट लाइन कंटेन्स टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, का मतलब यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट केस होने वाले हैं, एंड देन द नेक्स्ट टी लाइन शोज कि ए बी और एक्स वैल्यूज क्या हैं हर टेस्ट केसेस के लिए। आउटपुट का फॉर्मेट है कि आउटपुट में आपको फाइंड करना है ए रेस टू द पावर बी मॉड एक्स की वैल्यू। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं क्योंकि इसी से हम इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द कंस्ट्रेंट सेज कि हमारे पास 1000 टेस्ट केसेस हैं, और हर टेस्ट केस में जो ए की वैल्यू है वो 10 रेज टू द पावर 6 है,
बी की जो वैल्यू है वो -10^6 से लेके 10^6 तक वैल्यू हो सकती है, और जो एक्स की वैल्यू है वो 10^6 तक होगी। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट गिवन है उससे अगर आप कुछ वेरीफाई करें कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 10^3 है, और हर एक टेस्ट केस का जो हमें आंसर निकालना है, तो हर एक टेस्ट केस का जो आंसर हम निकाल सकते हैं वो 10^5 सेकेंड्स या उससे कम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल टाइम जो आपको गिवन होता है वो 10^8 गिवन होता है। सो 10^8, 10^5 का ही मतलब है कि अगर हमें वैल्यू ए गिवन है और वैल्यू बी की वैल्यू अगर 10^6 है, तो आप याद करें कि अगर आपको ए पावर बी कैलकुलेट करना होता है तो आप ये कहते हैं कि ए को ए से बी टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो बी की वैल्यू है वो 10^6 है, अगर आप ए को ए से 10^6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू अगर ये है, तो हमारा ये फेल हो जाएगा और हम ये नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटेशन कुछ इस तरह से करना होगा जिससे कि हम स्पीड अप कर पाए कंप्यूटेशन को, a^b फास्ट कैलकुलेट कर पाए। तो अब हम उन कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपने एक पढ़ा होगा बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, तो हम यहाँ पे बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का यूज करेंगे। एक बार आपको मैं रिकॉल कराऊं, तो अगर मान लीजिए कि मुझे 10^6 फाइंड करना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप 10^3 फाइंड कर लें और 10^3 को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको 2^16 फाइंड करना है, तो आप पहले 2^8 फाइंड कर लीजिए और उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह से अगर आपको 2^8 फाइंड करना है, तो 2^4 फाइंड कर लीजिए और उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 2² × 2², तो आप एक बार 2² फाइंड कर लीजिए और इसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एंड देन इसके बाद 2² को आप अगर फाइंड करना है, तो 2^1 और 2^1 फाइंड करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2^1 का मतलब क्या है कि जो पावर है वो 1 है। बेस केस तक रीच करने के लिए आप कहते हैं कि 2^0 फाइंड आउट आप कर लीजिए, और इसमें 2^0 को सॉरी 2^0 फाइंड कर लीजिए और 2^1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो हमने रिड्यूस करते करते, हाफ ऑफ रिड्यूस करते करते इसको किया, इस केस में आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपने लॉग एन किया होगा अगर आपने a^n फाइंड करना है तो। सो नाउ ये जो हमारा फास्ट मल्टीप्लीकेशन है जिसको हम बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन कह रहे हैं, ये हमें काफी हेल्प करने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो चूंकि हमने बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन यहाँ से रिलेट किया कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए कि इसकी जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट हम यहाँ पे और भी एक रीड आउट करें और इनको, तो इनसे आपको पता चलेगा कि जो बी की वैल्यू वो 10^6 तक हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि ए पावर बी की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। अब अगर ए पावर बी की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी तो इसका मतलब है कि रेंज क्रॉस होने लगेगा। तो रेंज को डील करने के लिए हम यहाँ पे केवल बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का नहीं बल्कि मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का यूज करेंगे। तो मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का यूज यहाँ पे क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारा जो वैल्यूज है वो बहुत बड़ी होंगी, रेंज को क्रॉस करने लगेगा। तो इस रेंज को क्रॉस करने, रेंज में एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन करते करते या पावर फाइंड करते करते ही अगर हम मॉड्यूलस करते चले, तो जो वैल्यूज है वो हमारे रेंज के अंदर ही रहेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद चूंकि हमसे ये कहा गया है कि ए पावर -1 mod x का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का को अगर आपको कंप्यूट करना है, तो ये कंप्यूट केवल एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम से किया जा सकता है। सो यहाँ पे a(b)(m)=1 की बात अगर हम करें, या अगर आप गिवन ए और बी से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे ए और बी ना लेके कुछ और ले लेते हैं। लेट से x(y)(m) की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 है, तो हम y को गेस कर सकते हैं x और m के मदद से। तो इस केस में हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें a^b(x) कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो b की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लीजिए कि हमें b की वैल्यू -1 गिवन है, a^b(a^-1) mod x कैलकुलेट करना पड़ेगा। a^-1 mod x का मतलब क्या होता है कि
मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स ऑफ ए पावर माइनस वन या ए, सॉरी नॉट ए पावर माइनस वन, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स ऑफ ए। सो ए और एक्स की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स, वही आपका आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ये नेगेटिव के केस में हो गया। अब हम थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ एक वैल्यू अपने से भी अज्यूम करते हुए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारी ए की वैल्यू है 10 और जो बी की वैल्यू है वो है -5 और जो एम की वैल्यू है लेट से वो है 7। तो यहाँ पे जो कंप्यूटेशन हमें करना है वो क्या करना है, 10^-5 और mod 7। क्वेश्चन के हिसाब से इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है, बल्कि इसकी इसका मीनिंग ये है कि 10^-1 आप करें, raised to the power 5 करें एंड mod 7 फाइंड कर लें। तो 10^-1 mod 7, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हुए लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि 10^-1 mod 7 एंड देन raised to the power 5 और जो भी आंसर है उस mod 7 से फिर ले लीजिएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स की बात कर रहा है, लेट से MMI है ये, और MMI जब आपको फाइंड आउट हो जाएगा तो आप रेस टू द पावर 5 फाइंड कीजिएगा देन mod 7 इसका कर लीजिएगा। तो जब नेगेटिव पावर भी होगा तो भी हमें पावर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी और देन फाइनली हम mod 7 लेंगे। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को लिस्ट आउट करते हुए इसके जो टेस्ट केसेस हैं एक बार हम उनको देखते हैं, जो सैम्पल टेस्ट केसेस हैं, और फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे। वी आर टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज अ हार्ड लेवल प्रॉब्लम, इसमें कहीं पे भी कोई भी हमने मिस्टेक की तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे हम पहला टेस्ट केस लेते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और एम की वैल्यू या एक्स की वैल्यू 3 है। एम हमारा मॉड्यूलस वैल्यू है या एक्स यहाँ पे गिवन है, आप उसको एक्स भी ले सकते हैं। सो वी आर फाइंडिंग आउट ए रेज टू द पावर बी मॉड 3। सो दिस इज 1 mod 3, इसका आंसर 1 आएगा। आप देख सकते हैं कि सैंपल आउटपुट में भी ये 1 आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा सैंपल इनपुट है वो है 3, 4, 2, सो दिस इज 3^4 एंड mod 2, सो दिस इज 81 mod 2, 81 mod 2 विल गिव अस द आंसर 1। और आप देख सकते हैं कि सैंपल आउटपुट में भी यहाँ पे 1 ही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 4^-1 mod 5, ए की वैल्यू है यहाँ पे 4, बी की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू है 5। सो 4^-1 mod 5, इसका मीनिंग ये है कि हम 4^-1 mod 5 से ये फाइंड आउट करें कि इसका मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स क्या है। सो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स आएगा वो 4 आएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि 4 × 4 आप करेंगे एंड देन मॉड 5 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1, 16 mod 5 की वैल्यू 1 आएगी। सो हमारे पास एक 4 गिवन है ए के फॉर्म में एंड देन इसका मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स 4 है, देन इसका अगर आप मॉड्यूलस विद 5 करेंगे तो आंसर आएगा 1, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स इसका 4 हुआ और वही इसका आंसर है। सो आई होप आपके समझ में आ गया है सैम्पल टेस्ट केस। आइए इसको अब हम कोड करते हैं। कोड करने के लिए मुझे सबसे पहले जरूरत है एक पावर फंक्शन की, तो हमने एक पावर फंक्शन डिजाइन किया। लेट से ये मेरा पावर फंक्शन है, इस पावर फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ए गिवन है और एन गिवन है और मॉड्यूलस वैल्यू गिवन है क्योंकि मुझे कंप्यूटेशन करते करते मॉड्यूलस की जरूरत पड़ेगी। सो ये मेरा फंक्शन कह रहा है बेस केस है अगर एन की वैल्यू 0 है तो 1 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज रेज टू द पावर हाफ का कैलकुलेशन करेंगे पावर और उसका मॉड एम कर देंगे। उसके बाद अगर ये इवन नंबर है तो आपको पता है कि अगर ए पावर 4 आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर आपको रिटर्न करना है। यहाँ हमने पी में ऑलरेडी ए स्क्वायर फाइंड कर लिया है, पी में पी को मल्टीप्लाई कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। चूंकि पी में पी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू लार्ज हो सकती है, इसलिए आप इसका पहले से मॉड्यूलस ले लीजिए। और अगर मान लीजिए कि ये हमारे ये ऑड है, लेट से ए पावर 5 हमें कैलकुलेट करना है, सो जब आप पी कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, दूसरी पी में भी ए स्क्वायर ही होगा, तो इसमें एक ए को आपको अलग से मल्टीप्लाई करना हो। यही काम हमने यहाँ पे किया है कि ए इंटू पी इंटू पी। तो सबसे पहले आप ए में पी को मल्टीप्लाई करके मॉड ले लीजिए, फिर उसके बाद इसमें फिर से पी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका फिर फर्दर मॉड ले लीजिए और इसी को रिटर्न कर दीजिए। तो ये हमारा लॉन्ग वाला पावर हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चूंकि वैल्यूज मेरी
बड़ी हो सकती है इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हुए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग ले लिया है, और हम पावर की जो वैल्यू रिटर्न करेंगे वो लॉन्ग में ही रिटर्न करेंगे। तो इनका जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन है हमारा ए बी और एक्स। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यूज हमें इंटीजर गिवन है, लेकिन हमने इनको सॉल्व करते हुए लॉन्ग में कन्वर्ट करना होगा। तो एक काम हम यहाँ पे कर लेते हैं कि इसका जो रिटर्न टाइप है उसको भी हम लॉन्ग बना लेते हैं, और जहां पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां पे भी हमने रिजल्ट को लॉन्ग बना लिया। बाय डिफॉल्ट ए बी और एक्स की वैल्यू भी इंटीजर गिवन है, हमने उनको भी लॉन्ग सेट कर लिया है, आंसर मेरा लॉन्ग आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव पावर है या नेगेटिव पावर है। तो अगर हमारा पॉजिटिव पावर है, मतलब बी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हम सिंपल तरीके से पावर कैलकुलेट करते हैं, और जो भी पावर मेरा कैलकुलेट होके आ रहा होगा उसका मॉड एक्स कर दीजिएगा। फाइन, आप नहीं भी मॉड करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पावर वैल्यू है वो मॉड होके ही हमें पावर से रिट्रीव हो रही है। अब मान लीजिए कि नेगेटिव है, तो अगर बी का पावर नेगेटिव है तो दो तरह की पॉसिबिलिटी है। एक बार फिर से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हो सकता है कि जो बी की वैल्यू हो वो नेगेटिव हो, नेगेटिव -1 भी हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, -4 हो सकती है, -5 हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। नेगेटिव में कोई भी पावर हो सकता है, इंटीजर पावर। सो मुझे क्या करना है कि पहले इसको, अगर मान लीजिए बी पावर -5 या ए पावर -5 हमें कैलकुलेट करना है, नॉट बी पावर -5, ए पावर -5। तो ए पावर -5 का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि ए इनवर्स एंड देन पावर 5, तो मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स मॉड एम बी ले लीजिएगा इसमें। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है ए पावर -1 और मॉड एम, इसको मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स कर रहे हैं। तो हम हमने यहाँ पे क्या किया कि मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स फंक्शन का यूज करके, जिसमें हमने ए और एक्स को पास किया है, हमने मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें डायरेक्टली आउटपुट दे देना है या फिर इसका पावर करना है। सो अगर बी की वैल्यू -1 से भी छोटी, मतलब -2 है, -3, -4, -5, तो हमने क्या किया कि इस बी की वैल्यू जो भी नेगेटिव गिवन है उससे हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल -5 गिवन है, इसमें हमने -1 को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 5 हो गया, और जो भी हमने मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स फाइंड किया है MI, उसके पावर 5 कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका पावर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ के हिसाब से हमें पावर फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स MI पास करना पड़ेगा इसमें, बी की पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है, और मॉडुलस एक्स को भी हमें इसमें पास करना होगा। आप देख सकते हैं कि आपने यही किया है यहाँ पे, और जो आंसर आया उसको मॉडुलस एक्स ले लीजिएगा। मान लीजिए कि बी की वैल्यू लेस देन -1 नहीं बल्कि एग्जैक्टली -1 है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स आपका आया उसी को आप रिटर्न कर दीजिए। हालांकि मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया है, पावर 1 ये कैलकुलेट करेगा, आप यहाँ पर डायरेक्टली MI लिख सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। तो हम एक बार हमने मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स में इस चीज को समझा था कि अगर मान लीजिए कि हमारा मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स नेगेटिव आ रहा है, तो उसमें आप मॉडुलस की वैल्यू को ऐड कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाता था। तो यही काम हमने यहाँ पे भी किया है लास्ट में, आप चेक कीजिए कि हमने लिखा है कि अगर आंसर जो प्रोड्यूस हमारा हुआ वो नेगेटिव है, तो हमने आंसर में एक्स को ऐड कर लिया और हमारा यही आंसर होगा। फाइन, ओके, ये जो लाइन है हमने यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने भी देखा था कि अगर बी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू -1, तो हमने आंसर इक्वल्स टू MI कर लिया। ओके फाइन, इसके बाद मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स की तरफ चलते हैं, जो हमने फाइंड किया था गिवन द वैल्यू ऑफ ए एन एम, और उससे हमने एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम को कॉल करके हमने इससे बी की वैल्यू या इसका जो मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। वो हमें ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलता है, लेकिन उस ट्रिपलेट में से हमें केवल एक्स की जरूरत पड़ती है। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम और मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो इनवर्स का ऑलरेडी देख लिया है। ये मेरा एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम है, जिसमें ए और बी की वैल्यू अगर पास हो तो इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके तो कोड को एक बार रिवाइज करें. हमने एक ट्रिपलेट ले लिया जिसमें कि एक्स वाई और जी सी डी है. फिर इसके बाद एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके हमने ये ट्रिपलेट फाइंड कर लिया जिसमें एक्स वाई और जी सी डी की वैल्यू मुझे मिल जाए. मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो इनवर्स से हम एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम को कॉल कर देते हैं जिससे कि मुझे ए और एम अगर गिवन हो तो उससे बी की वैल्यू मिल जाए. फिर हमने ये पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन में हमने ए पावर बी कैलकुलेट किया है बट मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से. सॉल्व फंक्शन मेरा हैकरैंक में गिवन था, इसी के अंदर हम इसमें कोड लिख रहे हैं, बस इसमें हमने चेंज ये किया है कि इंटीजर की जगह हमने इसको लॉन्ग कर लिया है. फाइन, एक चेंज हमने यहाँ पे भी किया है कि रिजल्ट यहाँ पे इंटीजर डिफॉल्ट गिवन था, मैंने इसको लॉन्ग मान लिया. आइए अब इसको रन करके देखते हैं. तो इसका सैंपल टेस्ट केस पास हो गया है, आइए इसको सबमिट करते हैं. यस, ऑल द टेस्ट केसेस हैव गॉट पास और हमने बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया. सो दिस प्रॉब्लम इज लिटिल पांडा पावर एंड दिस इज अ हार्ड प्रॉब्लम एज पर द हैकर रैंक. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल वंस अगेन मीट विथ सम न्यू कॉन्सेप्ट.